आज मैं पहली बार ऐसे समारोह में आई और मुझे बहुत अच्छा लगा अपने ही सेम लोगों से मिलके एंड नोइंग मोर अबाउट माय कल्चर. और मैं आज फर्स्ट प्राइज़ भी जीती, सो थैंक यू लकी ड्रॉ. ऑल थैंक्स टू माय. देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी. सीकर नागरिक परिषद द्वारा मीरा भाईंदर शहर में होली स्नेह सम्मेलन का एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां पे सीकर समाज के हजारों की संख्या में महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग यहां पे आए थे. उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस मंच पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए, यानी कि जो सीकर समाज के जो लोग हैं, जरासन समाज के लोग हैं यहाँ जो आए हुए थे, उनकी चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, जिनके अंदर जो टैलेंट था, इस स्टेज पर आज उन्होंने परफॉर्मेंस किया. तो कहीं ना कहीं अपने समाज के अपने लोगों को बढ़ावा देने का ये जो कार्यक्रम था, ये काफ़ी काबिले तारीफ था. तो आइए बात करते हैं सीकर नागरिक परिषद संस्था के मेंबरों से. उनकी कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है. सीकर के जो नागरिक लोग हैं, उनके घर वालों ने ये सारा प्रोग्राम किया है और इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है कि उसके लिए शब्द नहीं है कि हम उनको वर्णन कर सकें. सर, आपने यहाँ पे कई सारी बातें की कि जो भी हमारे समाज के लोग हैं उनके लिए हमेशा हम तत्पर तैयार हैं, उनकी जो भी किस तरह हेल्प करेंगे, उन्हें क्या करेंगे. समाज के जितने भी लोग हैं उनको जिनको जैसी आवश्यकता हो, हम हर तरह की कोशिश करते हैं, चाहे वो सर्विस से कनेक्टेड हो, चाहे मेडिकल हेल्प हो, चाहे एजुकेशन हेल्प हो, चाहे रिलीफ हो, पॉवर्टी हो, जितने भी जिसको जो कुछ भी काम हो, अगर उसको कुछ कहना है तो समाज संस्था को कहेगा तो उसको पूरा कर देंगे, पूरी हेल्प करेंगे. सभी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत की है और बहुत एक महीने से करीब करीब जितने पार्टिसिपेंट लोग हैं वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं और इतना अच्छा शानदार प्रोग्राम उस मेहनत का ही फल. जो संस्था है वो बहुत ही अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, दिवाली पे भी, होली पे भी, लेकिन आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही सुंदर हुआ, जिसमें काफ़ी ऐसे कल्चरल इवेंट्स हुए, लोगों ने डांस किए और बहुत ही उत्साह था, उत्साह के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ उन्होंने परफॉर्म किया. छोटे से बच्चे से लेकर बड़ी एज, मतलब सीनियर सिटीजन भी काफ़ी लोगों ने इसमें बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिया और बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित और सबको जोड़ने की एक ये संस्था है जिसमें सबका मनोरंजन भी होता है, सब एक दूसरे से मिलते भी हैं और सबको मोटिवेशन भी मिलता है. अगर आज कोई बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो दूसरे बच्चे उससे मोटिवेट होते हैं, अगर बड़े कर रहे हैं तो अदर जो लेडीज़ हैं उनमें भी एक उत्साह आता है, नेक्स्ट टाइम हम भी ऐसा करेंगे. तो एक ये सीखने का जरिया भी है और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. बिल्कुल श्योर, ज़रूर आना चाहिए, कैसे भी समय निकाल के ऐसे इवेंट्स में आपको अपनी प्रेजेंस लगानी चाहिए, जिससे आपको काफ़ी कल्चर एक्टिविटीज़, आपके जो भी संस्कार है वो सब यहाँ पे मिला जुला उनका एक मिश्रण होता है, जिससे आप परिचित होते हैं और आप में एक नई उमंग, उत्साह है, ये सब आप में आता है, उजागर होता है. हाँ, देखने को मिलता है ऑब्वियसली, और सबसे बड़ा कि अप्रिसिएशन मिलता है तो कुछ और आगे बढ़ने का मन करता है. हमारी संस्था जो है सीकर नागरिक परिषद, होली और दिवाली
ये साल में 2 कार्यक्रम करती रहती है। इसके अलावा भी हम लोग, हमारे गांव जो सिक्कर है वहाँ पे बच्चों की स्कूल की फीस है, मेडिकल है, उसमें भी हेल्प करते रहते हैं लोगों को, और यहाँ भी बहुत से लोगों को हेल्प किया है। और आज से अभी हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है यहाँ कि हमारे समाज की महिलाएं जो प्रोग्राम करेगी और प्रोग्राम देती है। हम लोग प्रोफेशनल किसी को भी नहीं लेके आए थे और आगे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ये हमारे सिक्कर नागरिक परिषद का होली का सम्मेलन था, जिसके अंदर के बहुत अच्छी संख्या में सब उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम का बहुत आनंद लिया। उत्साह से सब ने अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत की, और एक महीने से जो बाल कलाकार और हमारे घर की बहू बेटियां बहनें इस प्रोग्राम को संपन्न करने में मेहनत की, उनका भी हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में भी वो हमारे साथ में इसी तरह से तन मन से प्रोग्राम करके करेंगे, जिससे कि समाज के होनहार और बच्चे लोगों को एक प्रोत्साहन मिले।